कहते थे बस आगे छोड़ दे अब्बा, हमारी नस्ल भी अब कर्बला ना आएगी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर चाय पी चुके हैं मम्मी तो अंदर तशरीफ ले आए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, एक ऐसा शहंशाह जिसने अपनी आवाज से दखल मोमिन के दिलों के दिमाग में राज किया, यानी अल इमाम मौलाना शहंशाह निजामपुरी साहब, बेहतरीन तरन्नुम, बेहतरीन लहजा, बेहतरीन शेर तशरीफ ला चुके हैं नारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये सुर्खी अखबार है, मौजूए खबर है, मतलब बता। ये सुर्खी अखबार है, मौजूए खबर है, फिर सुने ये सुर्खी अखबार है, मौजू में खबर है, अल्लाह उसी संत है, आपास जिधर है। ये सुर्खी अखबार है, मौजू में खबर है, ये सुर्खी अखबार है, मौजू में खबर है, अल्लाह उसी संत है, आपास जिधर है। ये सुर्खी अखबार है, मौजू में खबर है, शबीर के खैमों की तरफ कौन बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ शबीर के खैमों की तरफ कौन बढ़ेगा, आपके सवाल में वाले का मतलब फरमाए अल्लाह उसी संत है, अब्बास जिधर है। कहीं भाई आपको बुलाना चाहता हूं कि ज़हरा से अदामत है तो जन्नत ना मिलेगी। ये सुर्खी अखबार है, मौजू में खबर है, ये सुर्खी अखबार है, मौजू में खबर है, अल्लाह उसी संत है, आपास जिधर है। और अंजुमन के हवाले शेर करना चाहता हूँ
شیر کے سلام ارے مدد فرمائیں کہ زلف دار ہے در ہے یا زبان اسدر ہے وہ بڑا ساتھ ہم تو ہے زلف مل گئی آزادی
खुशनसीबी मेरी कही है या मैं समझता हूँ कि मेरी ट्रेन दो बस से 10 मिनट में थी, वो 30 मिनट लेट हो गई है, लिहाजा मैं हुक्म तामील में मैं एक कलाम पेश करना चाहता हूँ। शहंशाह साहब, ये भी जिक्र मौला का मौजूदा है, जब से आप पढ़ने लगे मानक नगर से ट्रेन पास नहीं रही है, कह रहे जब तक आप पढ़ के हटेंगे नहीं मैं आगे बढ़ूंगी नहीं, अब ये होता है जिक्र मौजूदा। और आपके सुनने से मतलब दूरी ना दूरना भी एक ट्रेन है। मैं इस खूबसूरत समाप्त के हवाले शुरा से माजूद के साथ एक मिसरा था जौनपुर का, मिसरा था कि निशाने काबा बता रहा है यही जरूर इमाम होगा, आप बता रहे निशाने काबा बता रहा है यही जरूर इमाम होगा। मैं मक्का पेश कर रहा हूँ एक शेर के लिए, तीन चार दो तीन बच्चे सुनने आपको दो शेर सुन जहन में मिसरा रहे, जिससे कि 10 मिनट तक आपको पहुंचाना है। निशाने काबा बता रहा है यही जरूर इमाम होगा। मौला फरमाए कि वो आएंगे जब उठा के पर्दा, वो आएंगे जब देखिए आगे बैठे बड़ी जिम्मेदारी होती है सुनिएगा, वो आएंगे जब उठा के पर्दा मलक से रात को आएंगे तब दुरूद लोगा सलाम
निजामत नहीं करता हूँ, मगर 5 साल नहीं बल्कि तकरीबन 21 साल से जब तक ये कलाम नहीं पढ़ा जाता तब तक वो लोग उनकी महफिल मुलतवी नहीं होती है। मुझे यकीन था इस कलाम पर, सुबह 9 बजे हो रहे होते हैं और शहंशाह मिर्ज़ा तोही साहब ये कलाम पढ़ रहे होते हैं, आप भी वही मंजर लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि ये सूरज निकलने वाला है, शहंशाह मिर्ज़ा तोही साहब शेर पढ़ रहे हैं, खुदा की कसम ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि वो जश्न नोटबुक का और इस जश्न में कोई फर्क नहीं लग रहा है, इतना अच्छा सुन रहे हैं। खुदा सलामत रखे आपकी सलाह समाप्त हो, एक बावन बुलंद नारे सलवा आएंगे जब उठा के पर्दा, बड़ा हसी इंतजाम होगा। बस तस्वीर सुनिएगा अगला समय कि लरज लरज के कताबा लरज लरज के रहेंगे सरकश, सबों का जीना हराम। बच्चा कह रहा है कि दोबारा पढ़िए,
जब बच्चे की कंडीशन है तो बुजुर्ग कहां तक होंगे। बिछेगा फर्शे अदाए सरवर अली सजेगा हुसैनियत का होगा। ये शेर आपके नजर का काम आप बहुत खामोशी सुन रहे हैं, आगे बैठे हुए हैं।